एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग एंड जय माता दी। आई होप आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो गाइस, मैं भी ठीक हूँ। और आज वीडियो की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग की 9:30 बजे से। और गाइस, जैसे कि आपको पता है, आज है 19 अगस्त, यानी आज स्पेशल दिन है भाई बहनों के लिए। तो आज है रक्षाबंधन। और सबसे पहले तो मेरी यूट्यूब और मेरी फेसबुक फैमिली को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जितने भी भाई हैं, माता रानी सभी भाइयों को हमेशा खुश रखना और सुख समृद्धि प्रदान करना। जय माता दी। तो गाइस, मैं हूँ अभी अहमदाबाद में, और रक्षाबंधन के लिए मैं भी गांव नहीं गई हूँ, क्योंकि भाई मेरे है नहीं वहाँ पे। मेरे भाई है थाईलैंड में और मैं हूँ अहमदाबाद में। और कम से कम 8 से 10 साल हो गए, मैंने अभी अपने भाई को राखी नहीं बांधी। क्यों नहीं बांधी? कि भाई लोग आते हैं घर पे तो मैं नहीं रहती उस टाइम, हमारी छुट्टी नहीं रहती है बच्चों की, तो मैं नहीं जा पाती घर पे। और मैं जाती हूँ तो भाई लोग नहीं रहते घर पे, और मेरा भाई अभी थाईलैंड में। तो इसके लिए मैं रक्षाबंधन के लिए गांव नहीं गई हूँ, और मैं रक्षाबंधन मना रही हूँ यहीं पे। तो गाइस, मैं यहाँ पे कंटिन्यू 10 साल से कृष्ण भगवान पे राखी बांधती हूँ, और ये है मेरा 11वां साल। तो आप वीडियो में बने रहे, और वीडियो आपको अच्छे लगे लाइक और शेयर जरूर करिए। तो आप देख सकते हैं, ये मेरे हस्बैंड लेके आए मार्केट से फूल। तो देखो, ये फूल लेके आए हैं, और ये लाइए मिठाई, 1/2 किलो मिठाई लेके आए हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए, और मैं अभी तैयारी कर रही हूँ थाली सजाने की, क्योंकि भाई कृष्ण भगवान को राखी बांधनी है तो थाली वगैरह तो सजाना बनता ही है। तो मैं भी थाली को तैयार करने जा रही हूँ, और आप वीडियो में बने रहिए। तो थाली तो पहले से साफ है, लेकिन हम फिर से साफ कर देती हूँ। और ये है हमारी पिठाई की कटोरी, जो हम हमेशा पूजा करते हैं तो टीका लगाते हैं। थाली पे सबसे पहले बनाने वाली हूँ मैं स्वस्तिक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने थाली पे स्वस्तिक बना दिया है। देखो, ये बन गया मेरे थाली पे सस्ते। तो गाइस, यहाँ पे मेरा स्वस्तिक बन गया है, और उसके बाद करेंगे हम दीपक तैयार। देखो, ये है दीपक, और यहाँ पे दीपक तैयार करेंगे। देखो, ये हो गया हमारे यहाँ पे दीपक तैयार। और दीपक तैयार करने के बाद रखूंगी राखी। देखो, देखो, ये है मेरी राखी, जो मैं अपने कृष्ण ब्रो के लिए लाई हूँ। देखो, आप यहाँ पे देख सकते हैं। राखी को रखूंगी, उसके बाद रखूंगी चावल, और उसके बाद रखूंगी टीका, और अब रखने वाली हूँ फूल। देखो, कितने प्यारे प्यारे फूल हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो, तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा है चंदन, थोड़ा सा है टीका। और गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी थाली पूरी रेडी हो गई है। अभी रेडी नहीं हुई है, अभी मिठाई रखना बाकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं,
ये है गुजराती मिठाई, कौन सी मिठाई है, पेड़ा। देखो ये स्पेशल पेड़ा जो मेरे हस्बैंड लेके आए हैं अभी। और अभी पेड़ा रखना बाकी है तो हम यहाँ पे रखेंगे अपने कृष्ण ब्रो के लिए पेड़ा। और गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी यहाँ पे थाली रेडी हो गई है। और ये है हमारे कृष्ण ब्रो, देखो ये सामने बैठे हैं हमारे कृष्ण ब्रो, देखो। और मॉर्निंग में मैंने पूजा कर ली थी अपने घर पे, जैसे रेगुलर पूजा करते हैं तो सुबह में दीवा वगैरह जो भी आरती वगैरह वो मॉर्निंग में हो गया था, देखो। और ये जो कृष्ण ब्रो को जो ये कृष्ण ब्रो का झूला है ना, ये मैं लाई थी पिछले जन्माष्टमी पे, क्योंकि हम लोग हमेशा पूजा पाठ तो करते हैं तो मैंने बोला हम झूला ला दिए तो हमेशा के लिए काम आ जाता है। तो आपने पिछले वीडियो देखा होगा हमारा, वो उसमें मतलब जन्माष्टमी का वीडियो है तो तब लाई थी मैं। और अगर नहीं देखा होगा तो आप ज़रूर वीडियो देखिए, लाइक शेयर ज़रूर करिए और कॉमेंट ज़रूर करिए। देखो और इस पर मैंने एक डोरी भी लगाई है, देखो कृष्ण ब्रो को। और ये हमारी रक्षाबंधन की थाली तैयार। और गाइस ये है मेरा मंदिर, देखो ये हमारे महादेव जी और गणपति जी, और यहाँ पे ये जो फोटी है उनकी फैमिली है, देखो। और ये है हमारी माता रानी, माँ अम्बे रानी, माँ सुरकंडासुरी, आप देख सकते हैं, देखो। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले जो कृष्ण भगवान है ये छोटे हैं, तो मेरा बेटा कह रहे मम्मी दूसरे वाले कृष्ण भगवान को बांधो। और ये है हमारे पास दूसरे कृष्ण ब्रो, देखो आप देखो, ये पिछले साल की राखी है और ये और पिछले साल की है। अब कुछ राखी तो मैंने निकाल के रख दी है क्योंकि बहुत सारी थी तो जगह भी नहीं हो रही थी। देखो ये हमारे दूसरे कृष्ण भगवान जी है, देख। और ये वाले नए हैं, ये मैं पिछले साल लेके आई थी। तो मेरे बेटे का कहना है मम्मी इन पे बांधो, क्योंकि इनकी जो फोटो है ना, स्टेचू है ना, ये बड़ा है मम्मी, इस पे बांधो। तो ठीक है तो मैं इस पे ही बांधती हूँ। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे कृष्ण ब्रो। तो गाइस सबसे पहले हम अपने कृष्ण ब्रो को टीका करेंगे। तो कृष्ण भगवान हम सब बहनों की रक्षा करना, सबकी रक्षा करना जैसे एक भाई करते हैं। कृष्ण भगवान को खिलाएंगे मिठाई। हे कृष्ण भगवान मेरे को आशीर्वाद देना और मेरी रक्षा करना, मेरी नहीं हम सभी बहनों की रक्षा करना, जैसे एक भाई का फर्ज होता है रक्षा करने का, ऐसे एक बहन की रक्षा करना हमेशा। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे कृष्ण ब्रो कैसे लग रहे हैं, देखो। और अगर किसी भाई का बहन दूर हो या बहन अपने भाई के पास नहीं जा सकती है राखड़ी बांधने, तो आप मेरी तरह कर सकते हो। मैं भी कंटिन्यू हर रक्षाबंधन में कृष्ण ब्रो को राखी बांधती हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी सारी राखी मैंने कृष्ण ब्रो को बांधी है। और मैंने बहुत सारी मैंने निकाल दी क्योंकि हाथ पे जगह नहीं थी, इसके लिए मैंने निकाल दी है। और बाकी राखी जो थी ना वो मैंने यहाँ पे बांध दी है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो। और आप मेरी तरह बांध सकते हो कृष्ण भगवान को राखी। और कृष्ण भगवान है मेरी बहुत मदद करते हैं, बहुत साथ देते हैं, जैसे एक भाई बहन का रिश्ता होता है और एक भाई अपनी बहन के लिए हर दुख सुख में खड़ा रहता है, ऐसे मेरे कृष्ण ब्रो हर दुख सुख में मेरे
साथ खड़े रहते हैं और मेरे को कभी कोई दुख नहीं आने देते हैं। और मैं कृष्ण प्रभु को आज भी प्रार्थना करती हूँ कि कभी किसी बहन के मतलब हमेशा सभी बहन के साथ खड़े रहना दुख सुख में, जैसा एक भाई का फर्ज होता है। देखो, और मेरी कृष्ण ब्रो की तरफ से भी हैप्पी हैप्पी रक्षाबंधन सभी भाई बहनों के लिए। तो गाइस, यहाँ पे मैंने अपने कृष्ण ब्रो पे राखी बांध दी है और अब मेरे हस्बैंड है ना, तो उनकी एक बहन बनाई यहाँ पे, तो उन्होंने एक धर्म की बहन बनाई है यहाँ पे और अभी वो आ रही है यहाँ पे राखी बांधने। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वर्षा और आर्या भी आ चुकी है हमारे घर पे। और यहाँ पे सबसे पहले आर्या बांधने जा रही है राखी ऋतिक और रोहित को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आर्या ने पहले टीका कर रही है रोहित को और ऋतिक ऐसा देख रहा है, देखो, और उसके बाद कर रही है टीका ऋतिक को। और अब देखो, अब थोड़ा सा चावल लगा रही है और अब उतारेगी आरती। तो उसकी मम्मी पकड़ रही है ताकि दीपक चालू है ना, और छोटे बच्चों को उससे क्या है, थोड़ा डर लगता है, बच्चों को इतना वो करना नहीं आता है, संभाल नहीं पाते बच्चों को, फिर भी उसने संभाल दिया। देखो, और यहाँ पे उतार रही दोनों भाइयों की आरती और अब यहाँ पे बांधेगी राखी। देखा, राखी भी बांधना उसको नहीं आ रहा, तो उसकी मम्मी बांधेगी राखी। गांठ बांधना नहीं आ रहा क्योंकि अभी बच्ची है ना, फिर भी उसने गांठ बांध लिए। देखो, अब आगे यहाँ पे ऋतिक का नंबर, देखो ये इतना मतलब ये जो त्यौहार है ना, बहुत अच्छा लगता है, भाई बहन का इसमें बहुत प्यार है, बहुत अच्छा लगता है रिश्ता भाई बहन का। देखा, हमारे भगवान है जो बोलते हैं, पता है? खाली फोटो फोटो खींच रही है। हाँ। पूरा ही खा जा। सभी लोगों को नहीं, रक्षाबंधन सभी यूट्यूब। तो गाइस, आज का ब्लॉग इतना ही है और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते, जय माता जी।